ऐसे काटे जाई बोगे कि आगे मैया हुए छोड़ा से कोई दे भी यहाँ नहीं था जहाँ रखा। कैसे एक्टिंग किया थोड़ा करके दिखाइए। कि आगे मैया मर जाई बोगे रेलिया से कट जाई बोगे कि आगे मैया हुए छोड़ा से कोई दे भी यहाँ नहीं था जहर खाई के मर जाई बोगे। तू सलामत राधा जी रही राम से बदनाम बनी राजा तोरे नाम से। उस दिन मम्मी डांटी थी ना तब किए थे वैसे। मम्मी डांटी थी ऐसे? हाँ। रील बना रहे थे आप उस दिन? मम्मी डांटी थी फिर रूम में गए तो फोन चला रहे थे फिर देखे आशीष यादव का सॉन्ग है तो गए। मतलब मित्रों कुछ दिन पहले से एक छोटी सी लड़की का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बड़ी गजब का एक्टिंग करती है जिसे देख करके आप भी हैरान हो गए हैं। तो चलिए जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर वो लड़की है कौन और कैसे एक्टिंग की है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है यही वो लड़की जो एक्टिंग की है सोशल मीडिया पर, इसका वीडियो धमाल मचा रहा है। क्या नाम हुआ छोटी? आशिका यादव। आशिका यादव, हाँ। आप कौन सा एक्टिंग किए हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है? सबको नमस्कार प्रणाम, और मेरा एक सॉन्ग है वो वायरल हुआ है। अच्छा, कौन सा सॉन्ग वायरल हुआ है? मगही सॉन्ग आशीष यादव का। अच्छा, बड़ा गजब का एक्टिंग किए थे, वो कैसा एक्टिंग था? रियल में किए थे क्या? हाँ, उस दिन मम्मी डांटी थी ना तब किए थे वैसे। मम्मी डांटी थी? हाँ। ऐसे रील बना रहे थे आप? उस दिन मम्मी डांटी थी फिर रूम में गए तो फोन चला रहे थे फिर देखे आशीष यादव का सॉन्ग है तो गए। मतलब गुस्सा में आके ऐसा किए? नहीं, मतलब ऐसे ही रो रहे थे फिर देखिए आशीष यादव का सॉन्ग है तो गाया, हमको अच्छा लगता है आशीष यादव का सॉन्ग। तो कैसे एक्टिंग किया थोड़ा करके दिखाइए। कि आगे मैया मर जाई बोगे रेलिया से कट जाई बोगे कि आगे मैया हुए छोड़ा से कोई दे भी यहाँ नहीं था जहर खाई के मर जाई बोगे। इसीलिए मम्मी डांटी थी? हाँ। का आप सच में शादी करने का था आपका? का नहीं तो? अभी तो छोटा सा बच्चा है फिर ये सब। फिर ऐसा कहे बोले कि आगे मैया मोर जेबोगे रिलिया से कोट जेबोगे? वो सॉन्ग था आशीष यादव का इसीलिए। इसीलिए कि हाँ। ऐसा कुछ नहीं था ना? हाँ। तो सॉन्ग से रिलेटेड आपने रियल में बनाया और वो वायरल हो गया। हाँ। कब से आप रील्स बना रही हो? यही 5-6 महीना से। 5-6 महीना से? हाँ। उससे पहले वायरल नहीं होता था? नहीं, होता था थोड़ा सा ज्यादा। एक दिन में कितना रील बनाते थे? एक दिन में दो बनाते थे। दो वीडियो हर दिन अपलोड करते थे? हाँ। लेकिन वायरल नहीं होता था? नहीं। लेकिन मम्मी उस दिन डांटी और गुस्सा होकर के आपने आशीष यादव के सॉन्ग पर जो है एक्टिंग कर ली। हाँ। उसके बाद वायरल हो गया? हाँ। तो कैसा लग रहा है जब वायरल हो गए आप? तब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कब पता चला कि आप वायरल हो गए? 2 महीना के अंदर अंदर पता चल गया। अच्छा, लगातार वीडियो वायरल ही होता रह गया ना? हाँ, कंटिन्यू। हाँ। अभी कितना व्यूज है उसमें? उसमें वही 30 मिलियन 13 मिलियन ऐसे ही। 13 मिलियन के करीब व्यूज है? 17 मिलियन क्रॉस हो गया। हाँ। कितना मिलियन? 17 मिलियन। 17 मिलियन एक ही वीडियो में 17 मिलियन व्यूज हो गया। हाँ। तो कैसा लग रहा है? उस दिन तो आपकी मम्मी डांटी थी और आप गुस्सा हो करके एक्टिंग किए और वायरल हो गए, तो उस दिन मम्मी जो आपकी डांटी उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये कहना चाहेंगे मतलब वो हमको डांटी तभी तो वो गाना वायरल हो गया। अच्छा, अगर मम्मी आपकी नहीं डांटती आपको तो आप वायरल नहीं होते और आप ऐसा एक्टिंग नहीं करते ना? एक्टिंग नहीं करते, मतलब होते लेकिन इतना जल्दी नहीं। अच्छा, आशीष यादव के सॉन्ग पे आपने वायरल हुआ है और आपका वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आशीष यादव मिलने के लिए बुलाए हैं? नहीं। नहीं बुलाए हैं? नहीं। काम उम दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। लेकिन वायरल तो आप हो गए, उनका तो फोन कॉल आना चाहिए। आया है कॉल? नहीं। नहीं आया है? नहीं। मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है आशीष यादव, कुछ नहीं बोला है? नहीं, 2 महीना से वायरल चला। लेकिन 2 महीना से वायरल है आपका वीडियो लेकिन आशीष यादव कुछ नहीं बोला है? नहीं बोला। क्या कहोगी आशीष यादव पे? वो बोलेंगे आप इतना घमंड क्यों करते हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए। अच्छा, वो घमंड करते हैं आशीष यादव? हाँ। का चीज का घमंड है उसका? पता नहीं, अब उनका इतना भी ज़्यादा सॉन्ग वायरल नहीं हुआ है, मतलब हुआ है एक गाना वायरल हुआ, लेकिन तब पर भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम ही लोग उनको सपोर्ट किए तभी तो वो अभी मगही के वायरल हीरो है। बिल्कुल, दर्शक लोग ही मदद कर रहे हैं, उन्हीं लोग दर्शक लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके जैसे जैसे रील्स क्रिएटर के ही सपोर्ट से, इनके रील्स बनाने से ही बहुत सारे सिंगर का सॉन्ग वायरल होता है जिसके बाद वो अच्छा कमाई कर पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देखिए छोटी सी बच्ची आशीष यादव के सॉन्ग पर जबरदस्त एक्टिंग करती है जो कि सोशल मीडिया पर अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, लगभग 13 मिलियन
मिलियन व्यूज उसमें आ चुका है, पर लेकिन आशीष यार 17 मिलियन व्यूज अभी तक उस रील्स में आ चुका है, लेकिन अभी तक आशीष यादव का कॉल इस छोटी सी बच्ची के पास नहीं आया है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा है। सोच रहे हैं कि आप इतना बढ़िया रील्स बनाए हैं, आपका रील्स वायरल हो गया, फिर भी आशीष यादव आपको नहीं ढूंढे हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ करते हैं। कौन सा क्लास में है? फिफ्थ क्लास में। हाँ। सही से पढ़ाई हो रहा है? हाँ हो रहा है। अच्छा, मम्मी क्या करती है? मम्मी सिलाई करती है। अच्छा, घर में वीडियो बना रही हो, छोटी सी बच्ची हो, मना कोई नहीं करता है आपको? पापा करते हैं, लेकिन अब गलत वीडियो नहीं बनाते, इसलिए कोई नहीं कुछ बोलते हैं। सब बोलते हैं वीडियो बनाओ, मतलब सॉन्ग गाओ, ये बोले थे गाना गाने। अच्छा, सॉन्ग गाओ ना। हाँ। यानी कि गाना गाने के लिए परमिशन है आपके पास? दे दिया परमिशन। हाँ। तो फिर एक्टिंग कैसे कर रहे हैं? एक्टिंग भी कर लेते हैं। अभी तो देख रहे हैं रील्स भी बना रहे हैं आप, तो रील्स बनाने के लिए मना नहीं किया गया है? मत रील्स ज़्यादा नहीं बनाते हैं, एक दो बना कर डालते हैं, बाकी सब सॉन्ग ही आता है मेरा। अच्छा, सपना क्या है आपका? सिंगर बनना। सिंगर बनना है? हाँ। सच में सिंगर बनना है? हाँ। तो गाना गाए हैं अब तक कि नहीं? हाँ गाए हैं। कौन कौन सा गाना गाए? बहुत सारा गाना है। एक गाना सुनाइए जो अभी हाल ही में गाए होंगे आप। एक बार यही गाना सुनाइए अगे मैया वाला, फिर उसके बाद फिर दूसरा गाना सुनाइएगा। अगे मैया मोड़ जाई बोगे रेलिया से कट जाई बोगे कि अगे मैया हुए छोड़ से कोई दे भी यहाँ नहीं तो जहर खाई के मोड़ जाई बोगे।